अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब, और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान के सियासतदान कितना ही अपने आप को, अपने चेहरों को छुपाएं, लेकिन अमेरिका बहादुर ने पता नहीं ये कौन सी पॉलिसी अपने साथ लेके चल रहे हैं कि वो हर आने वाले वक्त में उनके नकाबों से, उनके चेहरों से नकाब उठाते ही रहते हैं। अभी पिछले दिनों जब हमने तकरीबन 1-1.5 साल पहले विकीलीक्स के हवाले से जब हमने चीज़ें देखी और जो उनकी केबल्स पे जो चीज़ें लीक हुई उसमें भी बहुत सारे इंकशाफात थे। रिसेंट अगर हम अपोजिशन की बात करें, सो कॉल्ड अपोजिशन कह लें या आप अपोजिशन कह लें, एक वो अपोजिशन जो पार्लियामेंट के अंदर है और एक वो या दो वो अपोजिशन जो पार्लियामेंट के बाहर है, यानी जमात इस्लामी और PTI। पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन इस वक्त हमारे साथ नून लीग। नाज़रीन, बात सिर्फ मुख्तसर इतनी है कि ये जो अपोजिशन है, ये अपोजिशन के अपने क्या एजेंडाज हैं, अपोजिशन को आगे किस तरह से मुल्क को लेके चलना है, हुकूमत का अपना एक फिक्स्ड एंड फाइनल एजेंडा है कि उनको अपने 5 साल मुकम्मल करने हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं उनको आने वाली हुकूमतें भुगतेंगी, या आने वाली अगर यही अपोजिशन जो अब ये कोशिशें कर रही है कि जी हमने अगली दफा आना है वो होगा। बहरहाल, हम जब अमेरिका की बात कर रहे हैं, कैमरॉन मटर जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, वो ये कहते हैं जब नेटो सप्लाई खुली और उसके बाद जब उनकी तमाम चीजें हुई, उनका एक इंटरव्यू BBC पर आया और उस इंटरव्यू में उनसे ये जब सवाल किया गया कि ठीक है जो पाकिस्तान की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत या उसके इत्तेहादी, वो आपके साथ है, लेकिन व्हाट अबाउट द अपोजिशन। इनफैक्ट कैटेगोरिकली उनसे ये पूछा गया, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान साहब PTI के, और कैटेगोरिकली ही उन्होंने जवाब ये दिया कि जी मेरी मुलाकात मियां नवाज शरीफ साहब से भी हुई, मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से भी हुई, और दोनों ने इस बात का यकीन दिलाया है कि हमें उनकी मुकम्मल हिमायत हासिल है या हम दोनों उनके साथ हैं। हकीकत क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है कि जो पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं, जो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स हैं, उसको बहुत आसानी से कैश कर लिया जाता है। क्या ये वाकई यही कुछ हो रहा है अभी भी और आने वाले दिनों में भी यही होता रहेगा? इस पर हम बात करेंगे। जो पैनल पे मेरे गेस्ट हैं उनका मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है शेख रोहिल असगर साहब, मुस्लिम लीग नून से, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। नईमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है PTI से, थैंक यू वेरी मच नईमुल हक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ साथ लाहौर से हमें ज्वाइन करें फरीद पराचा साहब, जमात इस्लामी के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम फरीद पराचा साहब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख रोहिल असगर साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टाइम था, कुछ टाइमिंग्स होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, और ऐसे जो इंपॉर्टेंट टाइम्स, नेटो सप्लाई खुली, मियां साहब मुल्क से बाहर चले गए। पिछली दफा भी अगर आप तारीख उठा के देख लें, आप लोग जो पब्लिक सेंटिमेंट्स को कैश करते हैं, बड़ी एंटी अमेरिकन बातें करते हैं ड्रोन के हवाले से, PTI की बड़ी स्ट्रेटजी रही ड्रोन पे सिटिंग्स है, अब ड्रोन हो रहे हैं, नेटो सप्लाई खुल गई, अब कैमरॉन मंटर का स्टेटमेंट कि जी मियां साहब भी अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, खान साहब भी अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज योर कॉमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। असल नदिया, बात मैं अक्सर, आपने तारीख की बात की, मैं भी तारीख की बात करता हूँ। अमेरिकन का ये पॉलिसी रही है कि जब वो ये देखते हैं कि एक चीज़ कोई इनके खिलाफ कोई आ रहा है या सेंटीमेंट्स इनके खिलाफ है, और ये कहते हैं इस पर दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी अवाम है उनकी सेंटीमेंट्स उनके तासात अमेरिकन पॉलिसी के सख्त खिलाफ, और उसकी बेसिक वजह भी आपके सामने है, ड्रोन हमले जिसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं, और उसके उसकी जो रिप्रेशन आ रही हैं पाकिस्तान के ऊपर, वहाँ से फिर इंटेलिजेंसी शुरू होती है, यहाँ पे टेररिज्म होती है, यहाँ पे भी 40,000 बेगुनाह लोग जो है इस जंग में शहीद हुए। अब देखें इस वक्त उनका ये कहना कि जी नवाज शरीफ, मैं वो तो है PTI वाले साहब यहाँ बैठे हैं, नहीं साहब ये बता देंगे, नवाज शरीफ या उनकी सारी पूरी जो है अपना सियासी जमात, उसका मौकफ बिल्कुल वाज़ह है, हम इस चीज़ के दहाई खिलाफ हैं और इसकी पुरजोर मदम्मत भी करते रहे, नेटो सप्लाईज के भी खिलाफ। मुझे क्लियर करें, आप अमेरिका के हामी हैं, आपने कैमरॉन मंटर से नवाज शरीफ ने बात की है या कहा है कि हम आपको सपोर्ट नहीं करते? अब एग्जैक्टली अगर आप बात करेंगी उनकी पॉलिसीज की, तो मैं कैटेगोरिकली ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अमेरिकन पॉलिसीज के अगेंस्ट है, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है। अब थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा, अब एक शख्स अगर फर्ज कीजिए मिलने आता है और वो कहता है जी कि डू यू लाइक अमेरिकन, कहते जी हाँ ठीक है, कोई इसमें बुराई नहीं है। नहीं, ऐसा कैसे? मैं अब आपको ये बता, नहीं मेरी एक बात सुन लीजिए, अब आप ये देख लीजिए, सिर्फ इतना देख लीजिए कि कैमरॉन मिंटर की नवाज शरीफ साहब से या इमरान खान से मुलाकात कब हुई,
मुलाकात हुए भी मेरे ख्याल में काफ़ी अरसा गुजर गया। अगर ये बयान दिया जाता तो शायद उस मुलाकात के फौर दिया जाता सवाल तो ज्यादा बेहतर। सवाल का नहीं, सवाल का नहीं जवाब है, जवाब ये है कि आप देखें टाइमिंग से वर्जन ऑफ पीटीआई जी नहीं मिला। अब आप ही मुझे लगता है वैसे बात ही करेंगे अमेरिका के खिलाफ नहीं है पॉलिसीज के खिलाफ। मैं ये तो इमरान आपको ये चाहिए था नादिया के कैमरन मंटर का वो इंटरव्यू दिखाती कि उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए और आप इमरान खान की बेशुमार तकारीर जिसमें उन्होंने अमेरिका के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया तो फिर ये बात वाजे हो जाती। देखिए उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था। कैमरन मंटर से इमरान ने जो बातें की वो ये थीं कि देखें कैमरन मंटर हम आपकी इसराइली पॉलिसी के खिलाफ हैं, हम आपकी ईरान की पॉलिसी के खिलाफ हैं, हम आपकी अफगानिस्तान की पॉलिसी के खिलाफ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका जो मुल्क है उसके खिलाफ हैं। हम चाहेंगे कि जब हम इख्तदार में आए बात सुन लीजिए पूरी और तो हमारे अमरीका से ताल्लुकात अच्छे हों। हम अफगानिस्तान में आपको हमने कई दफ़ा हमने आपको वार्निंग दी है कि ये पॉलिसीज आपके कामयाब नहीं होंगी और 10 साल बाद आप वही कर रहे हैं। अच्छा, तालिबान से एक मिनट बात सुनो, 10 साल से जो हम कहते आ रहे हैं कि तालिबान से गुफ्तगू करें अब उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है। और जो दुनिया में सबसे बड़ा अमन को जो खतरा है वो इसराइल के फलस्तीन पर कब्जे से है, ये अफगानिस्तान पे इनका कब्जा हुआ। साहब एक कॉन्ट्रडिक्शन मुझे समझ में ये नहीं आता, आप ये कहते हैं कि जी अमेरिका के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, दूसरी तरफ आपने जमात इस्लामी के साथ अलायंस किया है। क्या जमात इस्लामी ये किसने कह दिया आपको अलायंस किया? आपने जमात इस्लामी के साथ कोई अलायंस बिल्कुल नहीं किया, हम मिलने गए थे, मैं खुद था, फरीद प्राचा साहब मौजूद थे, बड़ी अच्छी तबादला ख्याल हुआ। मगर मैं आपके पास बता दूं अमेरिका की 60-70% आबादी अमेरिका की अमेरिका की 60-70% आबादी जो है अमेरिका के अफगानिस्तान की जंग के खिलाफ है, इसका मतलब वो अमेरिका के खिलाफ है। नहीं बात ये नहीं, आबादी के साथ जो अमेरिका की आबादी है उसके अमेरिका की पॉलिसीज नहीं बना रही है अमेरिकन थोड़ा सा। आपके जितने भी रूल ऑफ बिजनेस है वो अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ उनकी पॉलिसीज के साथ है, अवाम के साथ वो तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, दैट इज डिफरेंट। अमेरिका से मुराद अमेरिका के अवाम है ना, जमात इस्लामी यहाँ पर। चले एक सेकेंड, फरीद पराचा साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा फरीद पराचा साहब की जो कैमरन मंटर साहब का स्टेटमेंट आया, चले जी छोड़े इसको ये लोग नहीं एक बात वो करते, आपका स्टैंड क्या है? आप भी क्या यही कहते हैं जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि जी अमेरिका के तो हम खिलाफ नहीं है, हाँ अमेरिका की पॉलिसीज के खिलाफ है। मुझे इस पे थोड़ा सा आप बताएं कि अमेरिका और अमेरिका की पॉलिसीज क्या आप इसको अलग देखते हैं या दोनों एक ही चीज है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस वक्त जब यह जेर बहस आती है बात तो उसमें अमेरिका का लफ्ज जब आता है तो उसकी सारी पॉलिसियां, उसका तर्ज अमल, उसका उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ जारहियत, उसके ड्रोन हमले, उसका डॉक्टर आफिया, आप गिनते चले जाएं हमारे मुल्क के अंदर जितने बड़े पैमाने पर वो यहाँ पर तखरीबकारी करवा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। और जब कोई कहता है कि हम अमेरिका के मुखालफ हैं तो उसका लाजमी मतलब यह है कि हम अमेरिकन पॉलिसियों के मुखालफ हैं। और अगर कहीं ये तासुर दिया जाता है कि ये अमेरिकन मुखालफ नहीं है तो फिर उसके बाद इसमें ये तकसीम और तफरीक जो है इस तनाजर के अंदर मुश्किल है। वहाँ के अवाम के तो कोई भी खिलाफ नहीं है, वहाँ के लोग जो हैं वो अपनी जगह एक उनमें मुखालफ अपनी हुकूमत के मुखालफ भी हैं, मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन जब आप अमेरिका हमी और अमेरिका मुखालफ है ये जब आप तफरीक करेंगे, जिस तरह पाकिस्तान के अवाम में 90% से ज़्यादा अमेरिका मुखालफ हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि जी वो किसी फ़र्द के मुखालफ हैं या किसी फ़र्द के हामी हैं, वो उनकी तो मुकम्मल पॉलिसियों के मुखालफ हैं। जमात इस्लामी के बारे में कहीं ये डाउट जो है वो पैदा नहीं होता, ना कोई कर सकता है, इसलिए कि हमारी चीज़ें इतनी ओपन हैं, हम इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इतनी काविश कर रहे हैं और ये सारी हमने आप जो दो चीजें इसमें आप इसको अलग-अलग करके देखें, मैं तो खुद अलग-अलग वही आपको अमेरिकन जो है अमेरिका में सिर्फ कोई सिर्फ वो ओबामा या उसके पैरोकार नहीं रहते, वहाँ पे एक दो लाखों करोड़ों के हिसाब से मुसलमान बसते हैं। मैं आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बारखा हुकूमत को ये कहा है कि आप अपनी खारजा पॉलिसी को रिव्यू करें, इसलिए कि आप दूसरे लोगों को भी अपने दरवाजे खोलें, ये रशिया है, चाइना है, जो आपके दोस्त हैं जो बनना चाहते हैं आप उस तरफ भी जाएँ। लेकिन ये इसका मतलब यह था कि आप एक ही तरफ आपका झुकाव ना रहे,
ताकि आप जो नुकसान उठा रहे हैं उस नुकसान का खमेजा आपको आपके मुस्तकबिल में भुगतना पड़े। ये मैं आपको ये बात मैं बड़े वाशगाफ अल्फाज में बात कर रहा हूँ कि अमेरिकन पॉलिसी पिछले 65 साल से पाकिस्तान के हक में नहीं रही। ये जो नफरत पैदा हुई है पाकिस्तान के अंदर, जो मशहूर आप ये कह सकते हैं अमेरिकन के मुतलक, और वो नफरत को एक दिन की नहीं है, वो 65 साल की माजरत के साथ शेख साहब, उस नफरत को कैश कराया गया है हर मोमेंट पर। आप एक बड़ा बहुत आसान है लोगों की, आप लोगों को सिंपैथीज और लोगों का फेवर लेने का, क्योंकि आपने एंटी अमेरिकन बात कर दी। बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि आप ये कतई तौर पर अपनी पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि आप अमेरिकन के साथ कोई जंग लड़ने चले जाए। मैं ये कहता हूँ कि आपको अपने दरवाजे दूसरे अकवाम दूसरे ममालिक के लिए भी खोलने चाहिए। अपनी खारजा पॉलिसी को इस तरह आप बना दीजिए कि आप दूसरे ममालिक के साथ भी अपने रवाबते रखें। अभी इस वक्त तो आप देख लीजिए कि आप सवाए उनके और कहीं किसी की तरफ आप जाने को तैयार नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आप देख लीजिए आपका चाइना के मतलब आपका क्या रवैया आपके इस नेटवर्क सप्लाई के बाद हुआ है, यानी कि आप अंदाजा कीजिए, ये आप मुझे या किसी और को मुर्दे दाम नहीं ठहरा सकती उन चीज़ों की जो पीछे माजी में हुई। हमारा मौकफ आज भी है, आने वाले कल में भी ये रहेगा कि हम पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के लिए दरवाजे खोलेंगे। अपनी खारजा पॉलिसी को इस तरह बनाना चाहिए। अभी खारजा पॉलिसी की तो बात कर नहीं रहे, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जब तक आप दूसरे ममालिक के साथ रुआबत नहीं करेंगे, जब हम करेंगे तो मैं आपसे इसमें आप ये बात जेहन में रखें, एक सेकंड, ये सिर्फ प्ले किया गया, ये सिर्फ अल्फाज के साथ। तो फिर आप डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, तो कैमरॉन मंटर झूठ बोल रहे हैं। गलत कहता है वो, एक दफा थोड़ी झूठ बोलते हैं, उनकी तो पॉलिसी झूठ में एहतजाज करना चाहिए, झूठ में मनस होती है। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैं लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ आपके, मैं तो आपके लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ ना नादिया, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और जो लोग देख रहे हैं कि आप कैमरॉन मंटर से रब्ता कायम करें और उसका भी बयान लें। अच्छा एक सेकंड, इससे पहले कि कैमरॉन मंटर से रابطہ करके उसका बयान, एक और सवाल है, इंटरव्यू आया है जी, कैमरॉन मंटर को हम बाद में रابطہ करेंगे। इमरान खान साहब ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है जब वो कराची पहुंचे, और उनसे ने ये सवाल भी किया, उस सवाल का जवाब उन्होंने क्या दिया वो मीडिया टॉक आपको मुख्तसर से दिखाते हैं, और उसके अलावा कुछ अमेरिकन मजीद पॉलिसीज पे भी उन्होंने बात की, ड्रोन अटैक्स के हवाले से भी उन्होंने बात की, क्या एग्जैक्टली कहा आइए पहले वो देखते हैं। उसने क्या प्रो अमेरिकन, उसका क्या मंटर का क्या मतलब है प्रो अमेरिकन है वो उसे पूछे। तहरीक इंसाफ का मौकफ यह है कि हम किसी एंटी किसी भी नेश मुल्क के खिलाफ नहीं है, मसलन एंटी अमेरिकन मैं कभी भी नहीं हूँ। आज अमेरिका की जो अक्सरियत है वो हमारे साथ खड़ी है, वो इस जंग के खिलाफ है। लॉन्ग मार्च तब करेंगे जब हुकूमत इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश करेगी। ये कंटेम्प्ट बिल सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश है। इस मुल्क के साहिब इख्तदार पैसे वाले करप्ट लोग अपने आप को एक एनआरओ दिलवा रहे हैं, एक और कंटेम्प्ट कोर्ट एक एनआरओ है। ये बचना चाहते हैं, अपने लिए एक कानून बनाना चाहते हैं, अवाम के लिए दूसरा। ये सिर्फ और सिर्फ आसिफ जरदारी की करप्शन बचाने के लिए कंटेम्प्ट बिल है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की, इसका मतलब पाकिस्तान की जमहूरियत तबाह हो जाएगी। तहरीक इंसाफ तब सुनामी मार्च करेगी जिस दिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने, हमारी गवर्नमेंट मिली हुई है, इनके पूछे बगैर ना ड्रोन अटैक हो सकते हैं। नेटो सप्लाई तो खैर आपके सामने है कि पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन है, पार्लियामेंट ने अपने आप को जलील कर लिया दुनिया में, एक बात भी उन्होंने मानी। जहाँ तक ड्रोन अटैक्स है मैं फिर से कहता हूँ, क्यों नहीं नाम बताते जो लोग मारे गए, 22 लोग मारे गए हैं ये जो आखिरी ड्रोन अटैक में, कौन लोग थे, क्यों नहीं नाम बताते? पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये मिली हुई है इनके साथ, ये अगर नाम बताएं अमेरिका के अंदर शोर मच जाए, क्योंकि ज्यादातर बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। नसीन आपने जान लिया बहुत क्लियर मौकफ इमरान खान साहब का, क्योंकि पहले तो ये अवॉइड कर रहे थे सवाल का जवाब, लेकिन बहरहाल साफ ही कहाँ छोड़ते हैं। जब उनसे दोबारा इस बात पे इंसिस्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ। ठीक है जी, मैं मेरा अपना परसेप्शन यही है, फरीद पराजा साहब कह रहे हैं लोगों की राय कि आप अमेरिका को उसकी पॉलिसी से अलहदा नहीं कर सकते, किसी भी मुल्क की पॉलिसीज के साथ ही आपकी या तो इख्तिलाफ होता है या फिर उससे इख्तिलाफ नहीं होता है। फरीद पराजा साहब मुझे ये बताइएगा, अभी नईमुल हक साहब से बात हो रही थी कि आपने जमात इस्लामी के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात, एक अलायंस का एक इंप्रेशन आ रहा था, अगर लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से अब आपने वर्जन जो आपका दिया है, जो इस पे इनका आया है, वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्टरी है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, लेकिन अब बताएं कि आप इसके खिलाफ रैलियां कर रहे हैं, आप इसके खिलाफ जलसे जुलूस कर रहे हैं, मैं ये पूछूंगी इनसे कि आपकी जो अपोजिशन है, मतलब सो कॉल्ड अपोजिशन जो पार्लियामेंट से बाहर अपोजिशन है, पीटीआई और जमात इस्लामी, इनके आपस में रबते फिर किस सतह पर हो रहे हैं जब पॉलिसीज में इस हद तक इख्तिलाफ है?
देखिए, हम जहाँ तक रابطے कर रहे हैं वो पीटीआई से भी हैं, मुस्लिम लीग नून से भी हैं, और हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर मुश्तरकात पर यानी कम अज़ कम एजेंडे पर तमाम जमातें इकट्ठी हों। इसका ये इंतखाबी अलायंस नहीं है, और इस हद तक ये बात ठीक है, यानी पार्टियों के नज़रियात भी अलग होते हैं, पॉलिसियाँ भी अलग होती हैं, लेकिन न मुल्क में एक शफाफ इंतखाब के लिए, मुल्क को किसी बहरान से निकालने के लिए इकट्ठे हो जाएँ तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक ये बात इस बात का ताल्लुक है, मेरे दोनों भाई बैठे हैं और मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, यानी अब जबकि कैटेगरिकली कैमरॉन मेंटर ने दोनों जमातों के बारे में ये तासुर दिया है कि ये हमारे साथ हैं, और ये साथ होने का तासुर भी इस अंदाज पे दिया है कि जैसे कोई यकीन दहानियाँ इनको कराई गई हैं मुलाकात के दौरान। तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम में अपनी पोजिशन को क्लियर करने के लिए ये बजाय स्टेटमेंट देने के बाकायदा तहरीरी तौर पर एहतजाज करें कैमरॉन मेंटर से, और उसको कहें कि तुमने गलत हमारी जो बात किया, वरना ये तो गिलानी के बारे में आ गया था। ठीक है, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं ये बात पूछूंगी नईम उल हक साहब से भी, क्योंकि पीटीआई वो जमात है जो ड्रोन अटैक के खिलाफ, जब वो उसने लाहौर का जलसा भी नहीं किया था, जो उनके इवेंट्स कवर हो रहे थे वो एग्जैक्टली वो हो रहे थे जिसमें वो ड्रोन अटैक्स के खिलाफ सिट इन कर रहे थे। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून हर दफ़ा ये कहती रही कि हम इस बात के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे, हम इस पर लॉन्ग मार्च करेंगे। आखिर ये लॉन्ग मार्च कब होगी और पीटीआई के अब धरने कब होंगे इन्हीं सूरत हालों पर? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब, और ब्रेक पे जाने से काबिल हम बात कर रहे थे उन ही रहनुमाओं से जिनके मुताबिक कैमरॉन मंटर के स्टेटमेंट हमारे सामने आया है कि कोई भी अमेरिका के खिलाफ नहीं है। ये सारी वो बातें हैं जो पब्लिक में शायद की जाती हैं, ये हमारा एक अपना परसेप्शन, लेकिन बहरहाल हम इसको थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम यहाँ पर बात ये करेंगे कि अगर ये वाकई इसमें कोई हकीकत नहीं है तो अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ फिलहाल इन जमातों की जानिब से क्या कोई एहतजाज किया गया? नेटो सप्लाई खुल गई, क्या इस पर कोई बात हुई और उसके बाद फौरी तौर पर ड्रोन अटैक हो गया? क्या पीटीआई ने इस पर दोबारा धरना दिया? लेट मी टॉक टू नईमुल हक साहब। नईमुल हक साहब जी, फरमाइएगा कहाँ गए वो आपके सिटीजन जो ड्रोन अटैक से खिलाफ होते थे, मीडिया कवरेज होती थी, नारे लगते थे? हमने ड्रोन अटैक पे जब मैं सिंध का सदर था 2 दिन का हमने एहतजाजी मुजाहरा किया, बिल्कुल किया था आपने, हमने पूरे मुल्क में धरने दिए। पूरे मुल्क में कौन से आपने? एक पेशावर में दिया, एक आपने कराची में दिया? नहीं, पेशावर मुल्तान में दिए, वो छोटे मोटे धरने बहुत हुए। ठीक है, मगर जब हमें बाकायदा तौर पे इस हकीकत का पता चला कि ड्रोन जो हमले हैं वो सदर पाकिस्तान, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और उससे पहले सदर मुशर्रफ की मर्जी से हो रहे हैं, ये आपको बड़ी देर से पता चला? नहीं, ये वाज़े तौर पे हमें ये इसका एहसास था, मगर हुकूमत ने हमेशा इस बात से इनकार किया। हुकूमत तो अभी भी इनकार कर रही है। नहीं साहब, बात तो सुने ना आप, हमने उस वक्त हकमत अमली बदली क्योंकि हम समझते हैं कि जब पाकिस्तान की हुकूमत खुद ये ड्रोन हमले करवा रही है तो हम समझे कि हमारी हिकमत अमली में तब्दीली की जरूरत है। तो आपने कहा ये करवा रहे हैं तो इनका साथ दो, मतलब मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आई। नहीं, मुझे तो बिल्कुल ये बात आपकी समझ में नहीं आई, माजरत के साथ, कि जब आपको ये पता चला कि गवर्नमेंट ऑन पेज है, क्यानी साहब ऑन पेज है, तो आप बैक हो गए? हमने बैक नहीं किया, हमारा स्टैंड तो है ना, आपको तो इल्म होना चाहिए। आप कहाँ है आपके सिटिंग? ड्रोन हमलों के खिलाफ है। वो सिटिंग कहाँ है मुझे तो सिर्फ ये बताएं, जो ड्रोन अटैक्स के खिलाफ आप धरने देते थे, कौन सा धरना आपने कर दिया? तक हम ड्रोन अटैक की हमेशा से मजम्मत करते चले आ रहे हैं। मजम्मत तो सब करते हैं, हुकूमत भी करती है। धरने से ड्रोन अटैक खत्म नहीं हुए। कल वजीरिस्तान से एक बड़ा डेलीगेशन 2 घंटे हमारी ड्रोन हमलों पर इमरान खान से मिलने आया था, इस्लामाबाद में मुलाकात हुई और हमने वजीरिस्तान के हवाले से एक नई हिकमत अमली, हम पूछते हैं कि जो 20 मर गए और 22 मर गए आज तक इनके नाम सामने नहीं आए, हम एक नई हिकमत अमली लेकर आ रहे हैं
और आप जो ड्रोन हमलों के खिलाफ हमने मुजाहरे किए भी एक और पूरी दुनिया में, ठीक है, तो ये अगर आप समझती हैं कि हम ड्रोन हमलों के हक में हैं तो माफ कीजिएगा, मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि आप हक में हैं। मैंने तो ये कहा कि आप लोग पहले धरने देते रहे और उसके बाद अब आप फिर आपने अजीब सी बात की कि जब आपको ये पता चला कि क्यानी साहब ड्रोन अटैक्स के हक में है, हुकूमत ड्रोन अटैक्स करा रही है, तो आपने धरने देना बंद कर दिया। ड्रोन हमले, ड्रोन हमलों के खिलाफ अमेरिका के खिलाफ कर रहे थे, बात करके फंस गए। जरा आप इस पे रोशनी डालें, आपको कब पता चला था कि ये लोग सब एक ही पेज पे? रोजे अव्वल से आपकी नॉलेज में था। मैं बात कर रहा हूँ हुकूमत पाकिस्तान, ये हमें इसका एहसास था, मगर जब बाकायदा नहीं बातें कर रहे थे ना, हुकूमत पाकिस्तान हमेशा कहती थी कि नहीं जी ड्रोन हमले अभी भी कहती है, झूठ बोलते हैं ना वो, मगर अब हमें बाकायदा तौर पे इस बात का सबूत मिल चुका है कि इन लोगों के जहाज से हुए। पहले मुशर्रफ, क्या सबूत फिर आपको? वो है, वो मैं इस वक्त उसका जिक्र नहीं करना चाहता, प्लीज करें। हमारे पास है, इन्होंने लिख के इजाजत दी है, मुशर्रफ ने दी पहले इजाजत और 2008 से पता नहीं जो, और फिर ओबामा ने जरदारी को खत्म किया। क्या किसी इजाजत की जरूरत है? क्या अमेरिका इजाजत दे रहा है? इजाजत की जरूरत ही नहीं है ना उसको। कमजोर हुकूमत एक बात करके खुद फंस गए। ये पहली बात, बुनियादी बात ये, बिल्कुल नहीं पता। फर्स्ट अगर कोई ये बात कहे कि उसे गलत फहमी थी या वो खुशफहमी का शिकार है कि ड्रोन हमले आपकी साबका हुकूमत भी और ये मौजूदा हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकते, मैं उसकी मिसाल आपको पेश कर देता हूँ। एक हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन में, एक इन कैमरा सेशन में, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव के बैठे हुए ये बात की थी कि चीफ एग्जीक्यूटिव इज सिटिंग हियर, आज हमें हुक्म करें, हमारे पास दाद मौजूद है कि हम ड्रोन गिरा सकें। राव कमर सुलेमान साहब, राव कमर सुलेमान साहब, और चीफ एग्जीक्यूटिव ने जुबान नहीं हिलाई, उठ के कहते चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने इजाजत मांगी, आप इजाजत दे दे। ये बात तो पता है ना, मैं आपको एक बात नहीं जानता, मैं अब आपको बताता हूँ। आपके पास एक बेहतरीन मौका था जिस वक्त इस हुकूमत ने, जाने मुझे नहीं पता वो किसकी कहने पे, किसके फोर्स करने पे या किसके मशवरे पे, इन्होंने एक एक पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की एक कॉन्फ्रेंस तलब की थी, एपीसी उसको आप ये कह दीजिए, उसमें यूनैनिमस, उसमें खान साहब भी थे, उसमें मियां साहब भी थे, उसमें पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो बेहतरीन टाइम था नादिया, कि वो एक मैसेज था अमेरिकन्स को कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है ये यकसू है एक एजेंडे पे कि ये पाकिस्तान में ड्रोन हमले फिलफौर बंद होने चाहिए, उस पर सब इत्तफाक किया हुआ था। अगर मैं ये कहता हूँ, अगर का इस्तेमाल करता हूँ, अगर उस वक्त पाकिस्तान की, अब हुकूमत को छोड़ दीजिए, अब बिसाइड दैट हुकूमत को एक जगह एक साइड पर रख दीजिए, अगर पाकिस्तान की पूरी सियासी जमातें, देखिए मैं भी कहता हूँ कि ड्रोन हमला इंतहाई गलत है, मैं अपना रिकॉर्ड करवाता हूँ, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं अपना रिकॉर्ड करवाता हूँ एहतजाज असेंबली के अंदर, कि मेरे पास वहाँ पर एक फोरम मौजूद है, मैं अपने जलसों में ये बात करता हूँ, लेकिन अगर इस एक एजेंडे में पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं, तो मैं आपको यकीन के तो साथ आप साथ दें ना, जमात इस्लामी बैठी हुई हमारे साथ, फरीद पराचा साहब कह रहे हैं, उनके नून लीग से भी रابطे हैं, उनके पीटीआई से भी रابطे हैं, फरीद पराचा साहब अगर सब एक ही कहीं رابطے کا فقدان ہے تو آپ لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہیں؟ کہیں رابطے کا فقدان ضرور نادیہ میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان ہمارے دوستوں کو یعنی جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں ان پر بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ تین قراردادیں ہو چکی ہیں متفقہ قراردادیں उसकी एक शिक पर भी अमल नहीं हुआ और इसी तरह नेटो सप्लाई के बारे में एक करारदाद हुई उसकी भी किसी शिक पे अमल नहीं हुआ। तो जिन हमारे मेंबराने असेंबली के इस्तेहकाक जो हैं वो मजरूह हो जाते हैं कि थानेदार ने मेरा टेलीफोन नहीं सुना, वो इतने बड़ा एक वाकया हो गया कि मुत्तफिका करारदाद की धज्जियाँ उड़ा दी गई और बगैर किसी चीज़ के नेटो सप्लाई फिर बहाल हो गई, तो पार्लियामेंट की इससे ज़्यादा तजलील और क्या हो सकती है? और हमारे दोस्त जो हैं वो फिर पार्लियामेंट में महस है। मैं ठीक है, इससे हम आगे बढ़ते हैं, इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर है, अब अलायंसेस की बातें हो रही हैं,
हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत और उसके इत्तेहादी आज भी स्ट्रांग है। अंसार अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा इस कौम का, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि जो हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें उनमें बहुत इत्तेहाद है, हर इशू पे कुछ ना कुछ बार्गिन करके वो एक पेज पर होते हैं, एक जगह पे खड़े होते हैं। लेकिन आप लोग सारे के सारे, मतलब उसमें चाहे नून लीग हो, चाहे उसमें पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो या इवन जेयूआई हो, बातें सब आप लोग एक जैसी कर रहे होते हैं, बयानात आप लोग सब हुकूमत के खिलाफ दे रहे होते हैं, लेकिन आपस में आप लोग इत्तेहाद करने से फिर क्यों कतराते हैं? देखिए, हमने तो ये कोशिश की है जनाब सैयद मुनव्वर हसन साहब ने और सबको ये दावत दी कि हम कम अज कम एजेंडे पे तो इकट्ठे हों, और इस मामले में हमने मुलाकातें भी की हैं और हमारी मुलाकातें सबसे जारी हैं। हम ये समझते हैं कि या जो कुछ हालात, आलमी हालात हैं, जो कुछ मुल्की हालात हैं, जो कुछ खतरात और खदशात हैं, जो आवाम का गम व गुस्सा है, जो आवाम लोड शेडिंग और महंगाई के छुरी से ज़िबा किए जा रहे हैं, अगर ये उनके मुकाबले के अंदर एक मजबूत किस्म की मुश्तरका जद्दोजहद नहीं होगी तो उसके नतीजे के अंदर लोगों में बेपनाह मायूसी पैदा होगी। ठीक है, और मेरा पॉइंट भी यही कि मुश्तरका जद्दोजहद की जरूरत है, इंतखाबी अमल से भी हो सकती है। ठीक है। नहीं मुल्ला साहब, मुझे बताएं, जमात इस्लामी आपसे भी राबते करी है, एक इम्प्रेशन था कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का कोई अलायंस हुआ है या किसी न किसी चीज पर आप लोग आके बैठे, आज आपने वो भी खत्म कर दिया कि नहीं, नहीं कि कोई अलायंस नहीं हुआ। अलायंस नहीं हुआ मगर हमारी और उनके ख्यालात में बड़ी हम आहंगी है, हम उसकी अगर हम आहंगी है तो आज आप रोड्स पे क्यों नहीं है, वो क्यों रोड्स पे नहीं? दोनों की सोच बड़ी वो हमारा हम आहंगी है कई चीजों पर, और जब हम गए थे पिछले हफ्ते जब मुलाकात हुई थी जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर में, और उसके बाद फॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने और मुनव्वर हसन साहब ने बाकायदा तौर पर, और हम कई बातें ऐसी हैं जिसमें हमारी सोच जो है मुश्तरका है, और इंशाल्लाह अगर वो वक्त आएगा तो हम उसमें कोई उज़्र नहीं है कि हम उनके साथ इनकी सोच से भी इख्तिलाफ है। किनकी, किस बारे में? नून लीग की। किस चीज के बारे में? पॉलिसीज के हवाले से, क्योंकि सिवाय एपीडीएम की और तो कोई वाकया नहीं है मेरे ख्याल आप लोगों में ऐसा जो नाराजगी का सबब हो। नून लीग की हम हो, यानी सियासी अगर कुछ पॉलिसी है, हमारी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, मगर ऑन द होल मैं समझता हूँ नून लीग एक संजीदा जमात है, और जैसे अमरीका के मुतालिक अभी इन्होंने ख्यालात का इजहार किया या सुबह सिद्दीक अल फारूक मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, तो मैं समझता हूँ कि उसमें और हमारी सोच में कोई वाज़ह फ़र्क है नहीं। बात यह है कि हम और हमारी पॉलिसी पिछले 10 साल से पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की अक्कासी कर रही है। ठीक है, जमात इस्लामी ने उस वक्त हमारा साथ दिया, अपने क़ाज़ी हुसैन अहमद साहब उस वक्त सरबराह थे, जब अमरीका की जाहिरियत और अमरीका के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ कोई पाकिस्तान में आवाज़ नहीं उठा रहा था, तो हमारी एक उनके साथ एक वाबस्तगी रही है, एक एसोसिएशन रही है, मगर अलायंस अभी हम उसकी तो बात ही नहीं की हम लोग। नहीं, क्यों खान साहब हर जगह कहते हैं मुस्लिम लीग नून से कभी किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता, कैटेगोरिकली। हाँ हाँ, वो कहते हैं, मुझे पता है कहते हैं, उसकी वजह मुख्तलिफ है ना, सिर्फ एपीडीएम तो नहीं, 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 नहीं। जी हमें खड्डे लाइन लगा दिया था, खान साहब ये कहते हैं ना, देखिए खान साहब कहते हैं, खान साहब को अभी बहुत आगे चलना है, बहुत आगे चलना ना, उन तजर्बा फिर उसके बाद उनकी सोच, जज्बात से सारे काम नहीं चलते, कुछ सोच भी इंसान देखे आज इस चीज़ ने, बेशक के उस वक्त उनको ये डिसीजन गलत लग रहा होगा, लेकिन वक्त ने साबित किया कि अगर आप इलेक्शन में हिस्सा ना लेते तो उस शख्स से आपकी जान ना छूटती जिस शख्स ने आज इस मुल्क को इस निच पर पहुँचाया। अब आहिस्ता आहिस्ता देखते जाइए, एक और इनका इंस्टेंट था कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो रिज़ाइन करे, आज जो आपका चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हुआ है वो नून लीग के रिकमेंडेशन पे, नून लीग ने उसका नाम पेश किया, और आज देखिए कि इतना एहसन फैसला हमने इनसे करवाया, हालांकि ये मैं आज तक यकीन कीजिए जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं होगा मैं तब तक ये मानूंगा नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी को अलग से कैसे नीचे उतरेगा, क्योंकि वो इंतहाई शफाफ आदमी जिस पे कोई अभी आपको अभी भी इफ एंड बर्ड्स भी हैं, और मुझे शक है इनका, मुझे इनकी ट्रैक रिकॉर्ड देख के मुझे शक है नादिया। चले उसको छोड़े, अभी पीपी हमारे दरमियान है नहीं, इसलिए हम पीपी नहीं, मुझे बताएं, मैं तो कह ही नहीं, मैं जो इनसे की बात करी कि हमेशा कहता रहा हूं, कैटेगोरिकली मैं हमेशा कहता हूं कि सियासतदान अगर बोलते वक्त अपने अल्फाज का बेहतर चुनाव कर लें तो शायद रास्ते कहीं ना कहीं आके आके मिल सकते हैं। आप इतना घाव पैदा कर देते हैं अपने अल्फाज के साथ, फिर इतनी तलखी पैदा करने की भी तारीख से भरी हुई है वैसे। चलिए मैं आप किसी के मुतल्लिक तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि नून लीग ने ऐसा कभी नहीं किया, तौर पे मैं आपको ये कह रहा हूँ, और हमेशा मैंने कहीं भी। अच्छा मुझे बताएं इमरान खान साहब का इख्तलाफ असल में है क्या नून लीग से? मेरे ख्याल में बारहा वो जब भी उनकी बात आती है वो वही इलेक्शन की बात करते हैं 2008 की, इसके अलावा एपीडीएम वाला ही मसला है।
दो हैं इख्तलाफात बुनियादी तौर पर, जहाँ पर ये एतमाद जो था बाहमी एतमाद ये ख़त्म हुआ, जिसकी वजह से जो इमरान खान साहब ने बारहा कहा है। एक तो ये जैसा कि उन्होंने कहा 2008 के इंतखाबात में फैसला करके, बिल्कुल वही एपीडीएम वाली ना। दूसरा ये है लॉयल मूवमेंट में जब एतमाद में नहीं लिया गया जिससे पहले, इसके अलावा ये दो बुनियादी चीजें जिसकी वजह से एतमाद जो है नहीं, वो लॉयर मूवमेंट में नहीं सब, वो तो एक ऐसा एक, लेकिन आप लोगों को नहीं लगता। फरीद प्राचा साहब आपको भी जरा शामिल गुफ्तगू को कर लेती हूँ, मुझे ये बताएगा कि आप लोग जिन हिस्सों में बटे हुए, मेरा मकसद सिर्फ अपोजिशन को, सो कॉल्ड अपोजिशन को बुलाने का मकसद सिर्फ यही था कि पूछूं कि आप लोग क्या इन्हीं टुकड़ों में बटे रहेंगे। आप लोगों को नहीं लगता कि जब आप लोग इन्हीं टुकड़ों में बटे रहेंगे उसका फायदा फिर कहीं और पहुंचेगा? क्या ये एजेंडा तो नहीं है किसी का? देखिए, हमने तो ये बात जो है वो कही है और हम इसी की तरफ आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अपोजिशन की जमातें हैं इनके नज़रियात अलग हो सकते हैं, इनके जद्दोजहद के तरीके अलग हो सकते हैं, इन्हें अपने अपने बारे में एतमाद की फ़िज़ा एक अलग सी हो सकती है, लेकिन इस मुल्क की बका और सलामती के लिए और इस मुल्क के अंदर एक बेहतरीन इंतखाब के, शफाफ इंतखाब के इनेकाद के लिए कम से कम जमातों को इकट्ठा होना चाहिए, वरना इस सारी चीज़ों का के फवायद जो हैं वो उन कुव्वतों को मिलेंगे कि जो पाकिस्तान को अमेरिका के हाथ बेच रहे हैं, बेच चुके हैं, और जिन्होंने अवाम की भी खुशियों का कत्लेआम किया है और जिनसे शदीद गम और गुस्सा अवाम का मौजूद है, और आज जिनके साथ बात करते हैं, जिनके बारे में बात करते हुए 50 मौजूआत हैं, यानी करप्शन है, बदउनवानी है, ड्रोन हमले हैं, नेटो सप्लाई है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, आप गिनते चले जाएं तो इतने ज़्यादा आवाम के इनके से साथ शिकायत लोड शेडिंग और महंगाई के। इसलिए अगर इस वक्त लोगों को यही मायूसियों के अंधेरों में धकेल दिया गया तो इसका नतीजा जो है वो फिर यही निकलेगा। हर एक का अपना एजेंडा है, हमारा अपना एक मंशूर है और बहुत वाज़े मंशूर है। हम समझते हैं कि इस मंशूर को हम ही बरूए कार ला सकते हैं, लेकिन बहरहाल मुश्तरका अच्छा। और मुश्तरका जद्दोजहद की जरूरत अपनी जगह है हम ही और वाली इस पर बात अमल दरामद होना चाहिए। असल पे चीज जो आपको इकट्ठा बैठने नहीं देती एक जगह पे, जहाँ आप हम और मैं में आ जाएंगे ना, तो फिर उसका फ़ायदा, आपकी बात से मैं 100% ही इतफाक़ करता हूँ। मैं यह कह देता हूँ आपके प्रोग्राम में, कह देता हूँ, सुनने वाले सुन रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, मैं ये कह देता हूँ, कॉरिगटिकली ये बात कह देता हूँ कि ये बात लिख के रख लीजिए आप अपने पास। अगर इसी तरह हम में बटे रहिए तो आने वाला वक्त भी इंतहाई खौफनाक होगा आपके लिए नहीं बल्कि इस मुल्क के लिए, क्योंकि जो पॉलिसीज रही आप अपनी क़यादतों को नहीं समझाते। मैं तो आपको मेरी क़यादत आप देखिए ना, आप बहुत अरसे से आप देख लीजिए कि मियाँ साहब ने खान साहब के मुतल कभी कोई बात नहीं की, सिग्नल्स दे रहे हैं कि खान साहब आए अलायंस करने। मैं आपको देखिए, मैं आपको ये कह रहा, मियाँ साहब ने तो हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान की जहाँ बका का मसला होगा, पाकिस्तान के अवाम का मसला होगा, वो किसी से भी मिलने को तैयार है। ये हर जगह कह चुके हैं। ये बड़ा सियासी बयान है। मैं उनको जहाँ तक मैं जहाँ तक जानता हूँ, आप जरा गौर कीजिए, जिस बात को ये कहते हैं उन्होंने अपने उस हल्फ कह लीजिए या जुबानी उनके साथ एक मुआहदा कह लीजिए, मोहतरमा बेनजी भुट्टो खुदा करी के रहमत करे उनको, उनके साथ एक वादे को निभाया था ना, उसके लिए तो ये सजा। अच्छा, मुझे एक बात आपसे पूछनी है। हम जो बात ये कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अल्फाज का चुनाव जरा बेहतर अंदाज में करें, इतनी बड़ी बड़ी बात ना करें कि आगे जाके मसले हो जाए। देखिए, आपको अभी जो अभी भी इनफैक्ट जो हुकूमत है 174 सीट्स चाहिए, 124 इनके पास सीट्स है, 172 चाहिए, 124 सीट्स हैं। अपने जो अलाइज हैं उनको इंटैक्ट किया हुआ है, इसलिए ही वो कामयाब हो पाए हैं कि 5 साल मुकम्मल करने जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इस वक्त ये सूरत हाल है तो अगली दफ़ा तो वोट मजीद शटर होंगे, मतलब आधे वोट आप लेंगे, आधे वोट ये लेंगे, फिर पीपल्स पार्टी लेगी, वो अपने अलाइज के साथ, वो क्यों के साथ आप लोगों को जरूरत पड़ेगी कि किसी ना किसी के साथ अलायंस करें। एमकेएम के लिए अब आप लोग खामोश हो गए ना, ऐसे तो नहीं हो खामोश हो गए ना। उनके स्कॉटलैंड यार्ड के इन्वेस्टिगेटर्स को आने नहीं दिया, ठीक है जो नंबर, क्योंकि एमकेएम उनके साथ भी मिली हुई थी, इनके साथ मिली हुई। हम समझते हैं कि जो भी सियासी जमात
पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत को सपोर्ट कर रही है वो पाकिस्तान की दोस्त या खैरखा नहीं हो सकती, चाहे वो एमकेएम हो। अब आप मुझे कैटेगोरिकली कहिए कि पाकिस्तान से भी इत्तेहाद नहीं हो सकता। वो तमाम जमातें जो पीपल पार्टी को हुकूमत को सपोर्ट कर रही हैं वो पाकिस्तान की तबाही में। अब जब ये बात कर जाते हैं, हां साहब ये बात कहें ना कि भाई आपने कहा है अभी चार दिन पहले, आप रिपीट करें मेरे शो में, आप ये रिपीट करें शो में कि जी जिस तमाम हलीफ जमातें, नहीं नाम ले ना, जिस तरह नून लीग का नाम लेते हैं उसी तरह नाम लें कि मुस्तकबिल में कभी भी इनसे भी इत्तेहाद, एमकेएम से भी इत्तेहाद नहीं। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं और ये उन्होंने कहा कि जितनी भी हुकूमती जमातें हैं, जितनी भी हुकूमत, और ये भी बात आप नोट कर लीजिए नादिया, आइंदा कोई भी आएगी गवर्नमेंट, और ये यकीन कीजिए कि ऐसा कतई नहीं होगा। अगर कोई गलत फहमी का शिकार है, कुछ फहमी का शिकार है तो निकाल दे इसको, आइंदा भी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, बिल्कुल बनेगी। मैं इसलिए कहता हूं कि जो लोग देख रहे हैं, आपके अल्फाज देखें, आपके अल्फाज बहुत मैटर करते हैं इसमें। अगर आप आज ये कहते हैं मगर कि एमकेएम से हम किसी सूरत, और कल को आपको अगर उनके वोट की जरूरत पड़ती है क्या करें, मगर हम उसूलों पर सौदा नहीं करेंगे, तो नाम भी नहीं ले रहे, जमीर फरोशी नहीं करेंगे। कौन से उसूल? जो कौमी असेंबली में पाकिस्तान पीपल पार्टी की उम्मत ने जमीर खरीदा है लोगों का, क्यू का, एमक्यूएम का, एएनपी का, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये नहीं कह सकते, हो सकता है उनकी प्रॉब्लम हो, अगर वो यहाँ बैठा होगा, देखें अगर वो आज भी पार्टी को छोड़ते हैं तो 100 रोज का बंदा मरता है। खैर बहरहाल ये बात है, बहुत शुक्रिया नईम उल हक साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने का, आपका भी शेख साहब बहुत शुक्रिया आने का। इसी के साथ फरीद पराचा साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, इसी कमेंट के साथ रैप अप करूंगी कि बहरहाल शेख साहब की बात अपनी जगह सही है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े दावे ना करें कि आगे में जाके सर झुकाना पड़ जाए। लेकिन इस तरह जरूरी है कि जिस तरह से हुकूमती इत्तेहाद में इंटैक्ट हुआ हुआ है और जिस तरह से उनमें इत्तेहाद है, इसी तरह अगर अपोजिशन में इत्तेहाद नहीं होगा, आज भी ये लोग टुकड़ों में बटे रहेंगे, तो कल इन्हीं के लिए नुकसानदेह होगा और फिर एक दूसरे का यकीनन सामना कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। फिलहाल दीजिए प्रोग्राम है कोई जवाब से नादिया मिर्ज़ा को इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।